देखिए, पहले से भी अच्छी तरह से हम जनता का सेवा करेंगे, क्योंकि उत्तर मुंबई की जनता ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जिताने का काम किया, और जितने बड़े भारी मतों से जनता ने जीता उससे ज़्यादा काम हमेशा मैं और मेरे साथी विधायक और नगर सेवकों ने करने का प्रयास किया। इस बार की जो जीत है वो गत अनेक जीतों से भी बहुत बड़ा जीत है, और गत बार से ज़्यादा वोट भी मिले हैं, लीड भी बड़ा हुआ है, परसेंटेज ऑफ वोट भी ज़्यादा है। तो इतना जब प्यार जनता करती है तो निश्चित हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जनता के विश्वास पर हम सब लोग खड़े उतरे। मैं आने वाले दिनों में जनता के हर सुख दुख में जैसा हम लोग दौड़ कर जाते हैं, मदद करते हैं, काम करते हैं, उससे भी अच्छी तरह से सेवा देने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने और मेरे साथी विधायक और नगर सेवकों ने जो काम किया है उसका भी एक बहुत बड़ा आधार है, शिवसेना के साथ में जो हमारी युति है उसका भी एक आधार है, और निश्चित जनता का भी जो सपोर्ट और प्रेम। काम तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन रिटर्न सबको मिलता ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उत्तर मुंबई के जनता ने काम का कदर किया है, इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा। हाउसिंग के साथ साथ में जो रोड वाइडनिंग की मैंने बात बताई कि ट्रैफिक बढ़ते जा रही है, व्हीकल का ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इन सारे चीज़ों को देखकर जो रोड डेवलपमेंट प्लान में जितने बड़े बताए, 44 फीट का है तो 44 करेंगे, 60 का है तो 60 करेंगे, सभी जो रोड के बीच में दुकान या मकान आता होगा तो उनको पर्याय जगह देकर आने वाले 2022 तक हम जब देश की 75वीं साल मनाएंगे तब उत्तर मुंबई के डेवलपमेंट प्लान में जितने रास्ते बताए हैं वो सारे रास्तों को कंप्लीट फुल विड्थ में करने का एक संकल्प हमने लिया है। जब हमारा सत्कार यहाँ पर होता होगा और सत्कार करने वालों धैरव भाई का जन्मदिन हो तो सोने में सुहागा जैसा हो जाता है, दूध में शक्कर जो कहते हैं, तो सत्कार का ग्रेस और भी बढ़ गया है। देखिए, ट्रिपल तलाक का जो बिल था ये गए पार्लियामेंट में पास हुआ था, पार्लियामेंट में पास होने के बाद में राज्यसभा में भेजा हमने, और राज्यसभा चुनाव के पहले बर्खास्त हो गई, यानी अंतिम जो फॉर्मेलिटी करना था राज्यसभा में वो हुआ नहीं था, इसलिए फिर एक बार पार्लियामेंट में लाकर उसको पास करके राज्यसभा में पास करना, इतना ही है, उसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। जो अमेंडमेंट करना था वो भी हमने अमेंडमेंट पहले कर दिया है, कल वापस पार्लियामेंट में पेश हुआ है, और हमारे कानून मंत्री ने ये कहा कि इसमें भी आप लोगों को अगर कोई बदलाव चाहिए तो बात करिए, डिस्कशन करिए, अगर अच्छा सुझाव हो तो उसको स्वीकारेंगे हम। ट्रिपल तलाक का बिल तो पास होना ये ज़रूरी है और होगा। के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने हमारे उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल जी का एक भव्य नागरी सत्कार यहाँ आयोजित किया, और जैसा मैंने भाषण में कहा कि जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारा अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब धैरव शाह जी और उनके सभी साथीदार और अलग अलग संस्था मिलकर ऐसे कर्मठ जनप्रतिनिधि का सत्कार करते हैं तो जनप्रतिनिधि को भी अच्छा लगता है, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को समाज की सेवा करने का और ज़्यादा इच्छा मन में पैदा होती है। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, गोपाल जी के आगे के राजनीतिक जीवन के लिए ढेर सारी शुभेच्छा देता हूँ, और धैरव शाह जी को भी आज के उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी उनको ढेर सारी शुभेच्छा देता हूँ। बस ये कहना चाहूँ, सर ने कहा जैसा सोना में सुहागा है, और सर का स्वागत करने के हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज तक इन्होंने वो जो वोट मार्जिन है वो हमेशा हाइस्ट ही रहा है इनका, उनका काम करने का जो तरीका है वो हमारे मेंटोर है और रहेंगे, इनका काम करने का जो तरीका है गरीबों के उत्थान के लिए, पीड़ितों के उत्थान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते। कई बार उन्होंने एक दो कार्यों में मुझे टोका है, आज अतुल जी ने भी कहा है कि खर्चा कम करो, खर्चा आप गरीबों के पीछे करो। तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ज़रूर हम एक राशि आपको बोलेंगे और हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देंगे, और जैसा उन्होंने भी कहा है गरीबों के उत्थान के लिए कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सहभागी होंगे। मेरे साथ यहाँ 10-15-20 उद्योगपति बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे अमित गुप्ता जी हैं वो हमेशा ही तैयार है, उनको कोई भी काम बोलो पैसे के लिए कभी ना नहीं बोलते, ऐसे बहुत सारे उद्योगपति जो यहाँ डॉक्टर पटारिया जी है बहुत जन है, तो सब हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, और गोपाल जी है तो सब गोपाल जी के लिए कोई कभी ना नहीं बोलते। हमारे गोपाल जी हमारे लिए नरेंद्र मोदी है उत्तर मुंबई में।